डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। हमारा केळकर हॉस्पिटल अकोला महाराष्ट्र में है और अलग अलग मानसिक बीमारियों का इलाज हम यहाँ हॉस्पिटल में करते हैं। हम आज बताने वाले आपको डर के बारे में, फियर्स। क्या होता है, हमको छोटे छोटे डर रहते हैं। किसी को लिफ्ट में ऊपर जाने का डर, किसको रास्ता पार करने का डर, किसको बंद खुली का डर कि बंद जगह में रह सकता नहीं, किसको ऊंचाई का डर, किसको कुछ छोटे डर रहते हैं कि समझो रिंग बज गई फोन की तो फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं, उसका डर कि कुछ खबर मुझे मिल जाएंगी तो बुरी खबर होगी, उसका डर। किसको रात में यदि डोरबेल भी रिंग कर गया, दरवाजे की रिंग वो भी बजा दिया तो उसका डर उसको लगता है, यहाँ कहीं ऊपर से गिर जाएगा इसका डर, या लोग ऊपर जाते नहीं हैं, या फिर लोगों के सामने जाने का डर कि भाई हमको लोगों के सामने जाने का नहीं है, डर लगता है, या सब्जी बाजार सब्जी मंडी में जाना या मार्केट में जाना वहाँ डर जाने का, या कोई बाइक मोटर बाइक चलाने का डर या कार चलाने का डर। ये ऐसे कुछ छोटे छोटे डर रहते हैं कि वो हमको मालूम ही नहीं पड़ते कि हमारे आसपास में जितने लोग हैं उनको ये डर है क्या, क्योंकि वो उनको कोई तकलीफ देते नहीं है। अच्छा, ये डर रहना जरूरी है क्या? जरूरी है, वैसा देखा जाए तो, क्योंकि कुछ हद तक डर है करके हम जीवित है। समझो मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, कार में हूँ, और मुझे यदि डर नहीं है और मैं बीच में गाड़ी चलाकर रहूँगा और सामने से कोई ट्रक आ रहा है और मुझे कोई डर नहीं लग रहा है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, डर के मारे मुझे गाड़ी बाजू लेनी पड़ेगी। तो डर तो चाहिए, मतलब या कोई ऐसा गुंडा कोई आदमी मेरे ऊपर आ रहा है, आम के ऊपर आ रहा है, या कोई गाली गलौज कर रहा है, मेरे पास में कोई हथियार नहीं है तो मुझे डरना पड़ेगा। तो ये डर तो ठीक है, जैसा बच्चे को यदि हम डर सिखाते हैं, एक्चुअली बच्चों को बता दें कि भाई ऊपर नहीं जाना, ऊंचाई पे नहीं जाना, वहाँ से कूद मारेगा तो गिर जाएगा, लग जाएगा, तो हम डर सिखाते भी है और वो डर बच्चों को स्वाभाविक रूप से मालूम भी होना चाहिए। जैसा आग है या तवा है, सिगड़ी गैस के ऊपर तवा रखा हुआ है, उसके ऊपर हाथ डालना है या मतलब कहीं अंगार में हाथ डाल रहा है तो उसको हम डर बताएंगे, उसको डर रहेगा तो ही कुछ बच्चा करेगा नहीं उसमें कुछ, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो बचपन से हमको डर सिखाया जाता है एक्चुअली, और हम डरते रहते हैं। मगर कुछ लोगों को तो डर, फिर छोटा मोटा डर ठीक है, मगर कुछ लोगों को इतना ज़्यादा डर हो जाता है कि उनका रोज का जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को मतलब ऐसा है कि नहीं, मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मुझे डायबिटीज़ हो जाऊँगा, हो जाएगा, ठीक है, ऐसा डर ठीक है कि मतलब बहुत ज़्यादा खाऊंगा, ज़्यादा मीठा खाऊंगा तो डायबिटीज़ होगा, ठीक है, और अभी इसलिए मैं मीठा खाना नहीं, चलो ये भी अच्छा है, मगर डायबिटीज़ मुझे हो रहा है या डायबिटीज़ हो गया है या डायबिटीज़ हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर जाना, हर डॉक्टर के पास में जाके ब्लड शुगर टेस्ट कर लेना कि शुगर बढ़ी है क्या, या हार्ट अटैक मुझे आ गया है, हार्ट अटैक आ गया मैं मर जाऊँगा, इसलिए डॉक्टर टू डॉक्टर जाना। ऐसे कुछ कुछ पेशेंट हमारे पास में आते हैं कि वो रोज एक डॉक्टर दो डॉक्टर को विजिट करते हैं, रोज कार्डियोग्राम निकालते हैं, उनको डर ये है कि अभी मेरा अटैक आ जाएगा, मुझे अटैक आ जाएगा तो मैं मर जाऊँगा। तो ऐसे काफ़ी सारे डर लोगों को रहते हैं, छोटा मोटा डर ठीक है, फियर जिसको हम फियर बोलते हैं, कभी फेल होने का डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है फेल हो जाऊंगा ये डर है तो हम उसका केयर लेंगे और देखेंगे कि कैसा मैं क्या करूँगी ताकि मैं फेल ना हो जाऊँ। पर यदि डर ही नहीं रहा फेल होने का तो बच्चा पढ़ाई नहीं करे, मालूम है पढ़ाई मतलब कोई जरूरी नहीं है, फेल ही नहीं होगा। तो डर हमको कुछ हद तक ठीक है, और वो एक डर का मतलब ऐसा एक व्यक्तिमत्व भी हो सकता है कि वो डरावना व्यक्तिमत्व, वो व्यक्तिमत्व चिंता करने वाला रहता है कि बहुत चिंता है उसको, या छोटी छोटी बात के ऊपर डर है। मतलब कुछ कुछ माँ ऐसी रहती है कि बच्चों को थोड़ा भी ऐसा बुखार आ गया तो उसको डर लगता है कि अभी इसका कुछ तो भी कम ज़्यादा हो जाएगा, और वो एकदम चिंतित हो जाती है, डर लगता है, डॉक्टर के पास लेके जाएगी। अभी मेरे पास में एक पेशेंट आई थी, उसका यही था कि उसको एक साल का बच्चा है और उसको इतना डर बढ़ गया कि भाई बच्चे को कुछ तो भी हो जाएगा, थोड़ा भी बच्चे ने मुँह हाँ कर दिया, थोड़ा भी ऐसा मतलब बुखार भी नहीं है तो उसको हाथ लगा के देखेंगी तो नहीं यहाँ बुखार है, चलो डॉक्टर के पास ले जाए, इतना डर कि भाई नहीं कुछ तो भी हो जाएगा या मर जाएंगे, थोड़ा भी बच्चे ने समझो कम खाना खाया तो वो डर जाएंगे, नहीं अभी बच्चों को कुछ तो भी हो जाएगा और मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने का है। खुद के बारे में भी खुद भी तोल मोल के खाना खाएंगे, खुद भी देखेंगे मतलब इतना सारा डर बैठा हुआ है कि बाहर आना नहीं जाना नहीं, पूरा जीवन पैरालाइज हो जाता है। तो एक तरफ है डर ऐसा है कि जो नॉर्मल डर है, वो यदि बढ़ते 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 गया तो फिर वो फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। फोबिया जिसको अत्यधिक डर बोलते हैं ना, बहुत ही भय, मतलब अति भय, बहुत ज़्यादा फोबिया कि जिसमें मतलब
इतना डर होता है कि आदमी का काम करना, बाहर जाना, जीवन जीना भी मुश्किल होता है, ना कि उसका ही, बाकी लोगों का। कुछ लोगों को सफ़र करने का डर होता है, मतलब ट्रेन में, कार में बाहर जाते नहीं, तो साल साल, दो दो साल, तीन तीन साल वो कहीं आते नहीं, जाते नहीं, गाँव के गाँव में रहते हैं, ताकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बैठूंगा, बंद कार में बैठूंगा तो कुछ तो भी हो जाएगा, या ट्रेन में जाऊंगा मैं और ट्रेन में कुछ तो भी हो जाएगा, मुझे कुछ तो भी हो जाएगा, और मैं कुछ तो भी हो गया तो मैं बीच में क्या करूँ, मैं मर जाऊँगा, मतलब ऐसा डर लोगों को रहता है। किस कुछ को पानी का डर रहता है, वो पानी के पास में जाते नहीं है। तो इसमें अभी करना क्या है, सवाल ये आता है कि करना क्या, तो करना ये है कि उसमें डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी रहती है, डिसेंसिटाइज करना पड़ता है डर को। तो उसमें हिप्नोथेरेपी का अपहरण करते हैं, हिप्नोथेरेपी, विजुअलाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन, काउंसिलिंग, उसको काउंसिलिंग करते हैं, साइकोथेरेपी देते हैं, और बहुत ज़्यादा यदि डर होता है या बहुत ज़्यादा उसको अटैक आ जाता है डर का, तो उसके लिए कुछ गोलियाँ हैं कि जो गोलियाँ देते हैं तो उसका डर कम हो जाता है, उसका जो घबराहट है, धड़कन है, वो कम हो जाती है। क्योंकि वो जब डर उसको हो जाता है तो इतना मतलब दिल में धड़कन, हाथ पैर थरथराना, घबराहट होना, बेचैन होना, उसको लगता है कि मैं भागू कहीं तो भी, डॉक्टर के पास में जाऊँ कुछ तो भी हो जाएगा, तो उसको कुछ तो भी ऐसी गोलियाँ हैं कि भाई वो दवाई लेते हैं तो वो दवाई से वो कुछ अच्छा हो सकता है। हालांकि ऐसे काफ़ी सारे लोग हमारे आज के मतलब हमारे देश में इतने सारे काफ़ी सारे लोग हैं कि जिनको डर के मारे वो नॉन प्रोडक्टिव हो गए, अनप्रोडक्टिव, उत्पादकता जीरो हो गई उनकी, काम नहीं कर सकते, लोगों के ऊपर वो बोझ है, उनका पूरा 100% इलाज हो सकता है। आपके संपर्क में, आपके परिचित में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको आप वीडियो पहुँचाते हैं, बताते कि नहीं इसका इलाज है, इसका इलाज दवाई से है, इसका इलाज हिप्नोथेरेपी से, सम्मोहन उपचार से, इसका इलाज साइकोथेरेपी से है, तो लोग अच्छा हो जाएंगे और अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। ये वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो, आपके व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर डालो, जहाँ वहाँ ये फैला दो, ताकि ये सब लोगों तक पहुँच जाए कि जिनको जिनको ये डर है, फियर है, एक्सेसिव फियर, तो वो सब लोगों को इसका फायदा हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, काफ़ी सारे वीडियो में डालते जाता हूँ तो आपको उसकी घंटी आती जाएगी मैं जब वीडियो डालूंगा तो। और ज़्यादा महती के लिए हमारा वेबसाइट है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारे अकोला में दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल जो है वो मनोरुग्ण लोगों के लिए, जहाँ मनोरुग्ण और शराबी का इलाज होता है, और दूसरा हॉस्पिटल जो है वहाँ व्यसन मुक्ति का इलाज, मतलब कोई भी व्यसन है उसका इलाज, और मनोरुग्ण का इलाज हम करते हैं, मानसिक बीमारी का, जहाँ रिश्तेदारों के बगैर हम लोगों को रखते हैं। तो किसको घर में प्रॉब्लम है, पेशेंट रखने में प्रॉब्लम है, घर में शादी ब्याह है, घर में कोई फंक्शन है, कहीं बाहर कहाँ जाना है, ऐसा पेशेंट घर में रखना मुश्किल है, तो हमारे यहाँ लोग आके पेशेंट रखते हैं, बाद में 15 दिन, महीना, 2 महीने के बाद में उसको वापस ले जाते हैं, या घर में वो वायलेंट हो जाता है, आक्रामक हो जाता है और घर में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको भी हमारे यहाँ रखते हैं, या कोई पेशेंट के पास में रह नहीं सकते क्योंकि उनका कोई अर्निंग सोर्स है तो वो वहाँ काम करना चाहते हैं, मतलब यहाँ रुकना नहीं चाहते, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ इलाज है। जरूर ऐसे आपके संपर्क में जो लोग होंगे उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।